दोपहर प्राइम टाइम में सबसे पहले बात दिल्ली के जासूसी कांड की। जासूसी कांड पर हो रहे दंगल के में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। सचिवालय तक बीजेपी कार्यकर्ता मार्च कर रहे हैं। बीजेपी ने केजरीवाल पर जासूसी करवाने का आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार के फीडबैक यूनिट पर जासूसी करवाने का आरोप लगा है। सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करवाने की मांग की है। सीबीआई ने केस के लिए एलजी से परमिशन मांगी है। बीजेपी का प्रदर्शन इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर, अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से फीडबैक यूनिट स्थापित की गई जिसके लिए 1 करोड़ का फंड अलॉट किया गया था, लेकिन उस फीडबैक यूनिट का इस्तेमाल राजनीतिक जासूसी करवाने के लिए किया गया, ऐसा सीबीआई ने पाया है। और अब मामले की जांच करने के लिए, या कहें कि इस मामले में केस दर्ज करने के लिए बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। और कुमार सोनू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर और सरकार पर, और देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर भी उतर आए हैं। फिलहाल आप कहां पर हैं, किस तरह की स्थिति वहां पर और क्या क्या इनकी? ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मांगे देखिए, इस वक्त हम आईटीओ पर मौजूद हैं और बीजेपी का प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्च करते हुए आए हैं शहीद पार्क के पास से। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि जो दिल्ली सरकार की तरफ से फीडबैक यूनिट यानी FBU बनाई गई थी अपने ही विभागों पर निगरानी रखने के लिए, उसका गलत इस्तेमाल किया गया। दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं की, अधिकारियों की जो है जासूसी कराई गई, मीडिया की जासूसी सरकार की तरफ से कराई गई, ये आरोप जो है वो दिल्ली बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। फिलहाल दिल्ली बीजेपी का कहना है कि इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया जो कि विभाग के मंत्री हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और CBI जांच इस पर शुरू हो। तो फिलहाल आपको तस्वीरें हम दिखा दें, ये दिल्ली बीजेपी के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ITO चौक से पहले जो है, ITO की रेडलाइट से पहले तमाम कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया है, लेकिन लगातार बीजेपी यही मांग कर रही है कि जो जासूसी कांड है उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज हो, और जिस तरीके से CBI ने भी अपनी इनिशियल रिपोर्ट में कहा उसको गंभीरता से लेना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आप देखें कि इस वक्त पुलिस और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि FIR जो है वो दर्ज होनी चाहिए मनीष सिसोदिया के खिलाफ और CBI इस पूरे मामले की जाँच भी करे। जी कुमार सोनू, एक सवाल ये कि CBI ने कहा है कि जासूसी हुई, जो CBI की तरफ से जानकारी आ रही है उसमें क्या कुछ निकल के आ रहा है, कौन कौन निशाने पर थे और किस तरह की जासूसी हुई है, और साथ ही जासूसी का आधार क्या बताया जा रहा है? कुमार सोनू, देखिए इसमें इस पूरी इनिशियल जो रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया कि जिन 17 अधिकारियों को हायर किया गया था और स्थापना फंड के नाम पर 1 करोड़ रुपए दिया गया, हालांकि बीजेपी का कहना है कि इस पूरे मामले के लिए, इस फीडबैक यूनिट के लिए 38 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, वो पैसा दिया गया और सीक्रेट फंड के नाम पर वो दिया गया ताकि उसका कोई हिसाब किताब ना हो, उसके उन पैसों से जो खुफिया कैमरे हैं वो खरीदे गए, उनका जो है अरविंद केजरीवाल हिसाब दें। और ये फीडबैक यूनिट क्यों बनाई गई, मकसद क्या था, इन तमाम चीजों को लेकर जो है बीजेपी की मांग है। हालांकि CBI का कहना है कि इनिशियली रिपोर्ट में गड़बड़ की जो बात जरूर है और फिलहाल दिल्ली के उपराज्यपाल से उन्होंने CBI की तरफ से FIR दर्ज करने की बात कही गई है, उनकी परमिशन मांगी है। फिलहाल जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं अब दिल्ली पुलिस उन्हें यहां पर किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है, हालांकि डिटेन करने की भी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से प्रदर्शन को खत्म कराया जा सके, लेकिन बीजेपी इस मांग पर अड़ी हुई है कि CBI इंक्वायरी इसमें हो और CBI को ये मामले की जाँच करने के लिए, FIR दर्ज करने के लिए जो है परमिशन भी दी जाए। फिलहाल ये तस्वीरें ITO रेडलाइट के पास की है जहां पर प्रदर्शन चल रहा है बीजेपी का, और लगातार बीजेपी ये मांग कर रही है कि जो जासूसी कांड है दिल्ली सरकार का उसके खिलाफ जांच शुरू हो CBI की। अच्छा कुमार सुनो, एक बात और बताइए, क्योंकि LG से लगातार CBI की ये मांग है कि सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पहले उनसे परमिशन ले ली जाए फिर कार्रवाई होगी, लेकिन जो बाकी लोगों की बात आपने कही, जिन बाकी अधिकारियों का जिक्र आपने किया, क्या उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया गया है? देखिए
पहली बात मैं आपको बताऊं कि अगर किसी भी मंत्री के खिलाफ सीबीआई जब एफआईआर करनी होती है या कार्रवाई करनी होती है तो पहले जो राज्य के उपराज्यपाल या गवर्नर होते हैं उनसे परमिशन ली जाती है एफआईआर दर्ज करने के लिए। जब आधिकारिक रूप से जो आदेश जारी होता है उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है, उसके बाद तमाम केस से संबंधित तमाम लोगों के बयान दर्ज होते हैं, उसके बाद अगर सीबीआई को लगता है कहीं लूपहोल है या कोई वाकई में कोई गड़बड़ हुई है तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। तो फिलहाल पहली प्राथमिकता बीजेपी की भी यही है और तमाम बीजेपी के नेता भी यही मांग कर रहे हैं कि कुमार पूरे मामले ये तस्वीरें में जो हम देख पा रहे हैं इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस के साथ संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, कहां जाना चाह रहे हैं, कहां तक मार्च करने की जिद पर अड़े हैं बीजेपी के कार्यकर्ता? तो ये तस्वीरें देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता सचिवालय तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो है अभी रोका जा रहा है पुलिस के द्वारा। आपको तस्वीरें दिखा दें कि सड़क पर बैठ गए हैं लेकिन किसी भी तरीके से यहां से हटने को तैयार नहीं। इनकी मांग है कि यहां से ये हटे। इनसे बात करते हैं, क्या नाम है? इरफान मलिक। क्या मांगे? हमारी ये मांग है, जो इन्होंने 100 करोड़ का बजट पास करा एफएसओ के नाम से, जो ये नेताओं की जासूसी करा रहे हैं, ये प्राइवेट कंपनी को 100 करोड़ रुपए देके, ये सीबीआई की इंक्वायरी के अंदर निकला जिसकी वजह से के राष्ट्रपति जी को भी इन पे मुकदमा दर्ज करने के लिए अपील की गई है, क्योंकि अब माननीय हमारे जो इन्होंने 100 करोड़ रुपए कम नहीं होते, जो पब्लिक को वादे करते हैं हम कि ये करेंगे वो करेंगे ना, ये कूड़े के पहाड़ खत्म करने वाले, ये ब्लैकमेलिंग के लिए जासूसी करा रहे हैं। अभी यहाँ से जो बीजेपी के वर्कर हैं उन्हें यहाँ से डिटेन करके ले जाया जा रहा है ताकि जो प्रदर्शन है वो खत्म हो सके। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कुमार सोनू, इस गाड़ी में कौन नेता मौजूद हैं जिसके साथ ये भीड़ आगे बढ़ रही है और उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है ताकि उन्हें डिटेन ना किया जा सके? उनको यहाँ से इस गाड़ी में डिटेन किया जा रहा है। क्या नाम है आप? नवाब कुरैशी। क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे ये हैं, ये जो क्या नाम है, ये जो इस्तीफा दो केजरीवाल, इस्तीफा दो। क्या है फीडबैक यूनिट? ये फीडबैक यूनिट ये है कि दिल्ली की जनता को और दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बना के रख रखा है ये केजरीवाल सरकार। पटरी छाप 6 महीने पटरी पे बैठता है और 6 महीने बाद दिल्ली की भोली जनता इसको सीएम बना देती है। इसने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है, इनको इस्तीफा देना चाहिए, पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, तमाम पार्टी के वर्कर जो हैं इस वक्त बीजेपी के वो गुस्से में हैं और जासूसी कांड को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों पर हमला बोल रहे हैं। जी बिल्कुल कुमार, लगातार आप इन प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे हैं, अभी अभी पुलिस की एक गाड़ी गई, उनमें कुछ बीजेपी के नेताओं को डिटेन करके ले जाया गया है, तो आपके पास क्या जानकारी है, कौन है वो और कौन कौन बीजेपी के नेता वहां पर इस प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं? देखिए, इस प्रदर्शन में विजेंद्र गुप्ता हों, विजय गोयल हों या फिर वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो तमाम लोग पहुंचे थे। रामवीर सिंह विदूड़ी जो लीडर ऑपोजिशन है दिल्ली असेंबली में, वो यहां पर मौजूद थे। फिलहाल वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्हें दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया, अपने साथ जो है यहां से सीधा आईपी स्टेट थाने की तरफ लेके गए हैं, लेकिन फिलहाल जो कार्यकर्ता हैं वो अभी भी सड़क पर हैं। आपको तस्वीरें हम दिखा दें कि लगातार ये कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि जो सीबीआई है उसको जांच की परमिशन मिलनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए मनीष सिसोदिया के खिलाफ और पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि जिस तरीके से सरकारी फंड का दुरुपयोग करने का आरोप बीजेपी लगा रही है। तो बीजेपी का कहना है कि उस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो ताकि लोगों को ये पता चल सके कि जासूसी कांड की आखिर सच्चाई क्या है। अच्छा कुमार सोनू, अगर आपके लिए संभव हो तो आपके पीछे हमें बीजेपी के कुछ और प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए, साथ ही उनसे ये भी जानिए कि अब इनकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या नाम है आपका? अमित नागपाल। मेरे पास क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग कर रहे हैं कि केजरीवाल को इस जासूसी कांड के अंदर बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके बंद होने के बाद ही सीबीआई जांच के द्वारा पता चलेगा कि कितने लोगों को ये ब्लैकमेल कर रहे थे दिल्ली के अंदर, पता नहीं कितने अधिकारियों को, कितने जो जजेस को इन्होंने अपने फैसले पलटवाए होंगे इस जासूसी कांड में फंसाकर। उन सब जितने भी जो ऑडियोज हैं, जितनी वीडियोज हैं, उनको सबको जांच के घेरे में लेना चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द अपने कब्जे में लेके पुलिस जांच करे। क्या मांगे प्रदर्शन? देखिए, दूसरे पे लांछन लगाना केजरीवाल जी की आदत रही है, आज उनको नैतिकता के आधार पर सबसे पहले उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ जो है अभियान छेड़ करके उनको जेल में बंद कर देना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने
फीडबैक के नाम पर एक पॉलिसी बना करके लोगों को जासूसी जो करवाया उसके खिलाफ जो है आज जो प्रदर्शन रहा है, इसमें बीरेंद्र सचदेवा जी की अगुवाई में उन्हें दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया। आप देखें कि लगातार ये अभी भी मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से जासूसी कांड की बात सामने आई है उसको लेकर जो सीबीआई ने अपनी इनिशियल रिपोर्ट में कहा उसको लेकर गुस्से में है और लगातार मांग कर रहे हैं कि सीबीआई को इस बात की इजाजत दी जाए कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उसके बाद पूरे मामले की जाँच हो। सोनू, ये जो फीडबैक यूनिट थी किस डिपार्टमेंट? ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अपार्टमेंट के तहत बनाई गई थी और अब ये क्या केजरीवाल तक भी इसके तार जुड़ रहे हैं? देखिए दरअसल पवन, मैं आपको बताऊं कि ये फीडबैक यूनिट जिसे एफबीयू कहा जा रहा है ये विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंडर बनाई गई थी और विजिलेंस डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं वो उनकी रिपोर्टिंग वो जो है मनीष सिसोदिया हैं। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया के ऊपर ये तमाम बीजेपी के वर्कर और बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, फीडबैक यूनिट जो बनाई गई थी उसमें बिहार सरकार की जो बिहार पुलिस के कुछ अधिकारी थे उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से हायर किया गया था और बकायदा बजट दिया गया था। एक डीआईजी रैंक के अधिकारी को पूरा जो है इस फीडबैक यूनिट का इंचार्ज बनाया गया था ताकि वो तमाम विभागों की जो दिल्ली सरकार के विभाग है उन पर निगरानी रख सके और उनकी रिपोर्ट जो है सरकार को दे ताकि कामकाज सही तरीके से हो। लेकिन जासूसी के आरोप लगे हैं, दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के ऊपर की जासूसी करने के आरोप लगे, अधिकारियों की जासूसी करने के आरोप लगे और उसी के बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए एलजी का रुख किया है। इस पूरे मामले को लेकर पर्दाफाश करने के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए एलजी की परमिशन मांगी गई और इसी बीच बीजेपी के कार्यकर्ता तमाम आरोपों के साथ सड़क पर उतरे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।